किसी और जगह को देखते हैं यार, जहाँ पे ना हमें बर्फ वगैरह देखने को मिल जाए। यहाँ पे पेड़ के ऊपर ना रहने के लिए एक छोटा सा घर सा बना हुआ है। जगह है क्लैनी टॉप, भद्रवा में ये जगह पड़ती है। तो गाइज ये कुछ अपना डोडा का हाल देख सकते हो। यहाँ पे अभी भीड़ भाड़ बहुत कम हो गई है, लोग या तो घरों में छिप गए हैं या तो जम्मू की तरफ जा चुके हैं। ऊपर पहाड़ों पे बर्फ लग रही है। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे पेट्रोल पंप, पेट्रोल करके फिर हम जाएंगे सीधे। जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और हमें यहीं पे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ आया हुआ है भाई, वो पीछे खड़ा है ऑल ब्लैक, और हमारे पास एक हेलमेट जो है ना, अभी ये जिस कलर की हेलमेट है देख सकते हो आप, इसी कलर की जैकेट भी है। पता नहीं अपने आप ही ऐसा मैचिंग हो गया। तो हम एरोक्स पे ही आ गए क्योंकि हमने सोचा थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा, क्योंकि अगर गाड़ी वगैरह में आते, वैसे घर पे अभी गाड़ी वगैरह थी नहीं, भाई चला गया हुआ है, भाई के पास ही थी गाड़ी, उसका भी कुछ काम वगैरह करने के लिए। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, अब ये जो टायर है ना, इसमें ग्रिप बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है बहुत ज्यादा। और जब आपके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं ना, तो ये जो साइलेंसर है ना, इस पे आप आराम से अपने हाथ जो है गर्म कर सकते हो। वैसे बहुत गर्म होता है, ज्यादा टाइम इस पे हाथ रखोगे तो जल जाएगा। तो यहाँ से अभी इस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये हल्की हल्की सी बर्फ आप देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी सी बर्फ देखने को मिल गई है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुत ज्यादा बर्फ कहाँ देखने को मिल जाएगी हमें, और वहां पे रुक के मस्त सी आपको वहां का जो भी सीनरी रहेगी वो दिखा देंगे। और इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन मैंने ग्लव्स नहीं पहने, उससे ना ग्रिप नहीं बनती। धूप देखने को मिल गई है, यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी है। ये रास्ता जाता कहाँ है, लेकिन मुझे यही नहीं समझ आ रहा। ओह माय गॉड, झटके देख रहे हो, इस बुद्धू ने मुझे गलत रास्ता दिखा दिया था, बोल रहा है यही है, यही है रास्ता, भाई गलत रास्ते पे लेके जा रहा था मेरे को। यार भद्रवा देख सकते हो यार, बहुत ठंड सी है यहाँ पे, और बर्फ थोड़ी थोड़ी सी खेतों में दिख रही है। और ये देख रहे हो कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, आंटी जी रास्ता साफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, सफाई करना बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत से घर बनाए हुए हैं यहाँ पे लोगों ने, देखते हैं यहाँ पे आज कितने लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे लोग आए हुए होते हैं हमेशा, जब भी आओ, गर्मियों में आओ या सर्दियों में आओ। तो यहाँ पे कोई थार वगैरह भी आई हुई है देख सकते हो, कोई थार में आया मस्त एडवेंचर करते हुए। तो हम इसको पार्क कर देते हैं साइड पे ताकि जगह बची रहे और भी लोगों को गाड़ी वगैरह लगाने के लिए, यहाँ पर तो यहाँ से पार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे तो बर्फ ऐसे पिघल चुकी है, अभी थोड़ी बहुत पहाड़ों पे है, थोड़ी बहुत रास्ते में हमने देखी। तो देखते हैं कोई और जगह मिलती है हमें जहाँ पे हम बर्फ वगैरह देख सकें अच्छे से, क्योंकि बर्फ देखने के लिए यार बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। इस जगह की जो इनरी है ना, यहाँ आके यार अलग ही सुकून मिलता है। आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में जो पेड़ हैं, ऐसे ये देवदार के पेड़ हैं और एकदम पूरे सिक्वेंस में लगे हुए हैं ये, क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिटेड है जंगल वगैरह काटना, तो इस वजह से वैसे ही रखे हुए हैं। यहाँ पे आप गर्मियों में भी आ सकते हो भाई, गर्मियों में इतना मस्त है ना, यहाँ पे एकदम ठंडी हवा होती है, जैसा अभी सर्दी का मौसम है वैसा ही आपको फील होगा गर्मी में यहाँ पे आके। तो ये जगह है क्लैनी टॉप, भद्रवा में ये जगह पड़ती है, और अंदर चल के भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कि क्या कुछ मिलता है यहाँ पे हमें देखने को। वैसे आज बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, अगर गर्मियों में आप यहाँ पे आओगे तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। थोड़ा मैं इस तरफ दिखाऊंगा आपको, ये देखो रास्ता इस तरह से, एंट्रेंस कुछ ऐसा है इसका, जहाँ पे अभी सूरज भी दिख रहा है। आज थोड़ा मौसम अच्छा था, आज धूप थी, तो आज हमारे, मैं दो तीन दिन से सोच रहा था, मेरे आते ही यहाँ पे कोल्ड हो गया था, फिर मैं घर पे ही था तीन चार दिन, और आज मैं यहाँ पे आया तो आज यहाँ की बर्फ पिघल ही गई है। छोटे छोटे से इन्होंने इग्लो हाउस टाइप बनाए हुए यहाँ पे रहने के लिए, अभी लोग बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे, वैसे लोगों को आना चाहिए, भद्रवा एक बहुत अच्छी जगह है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिल रहा है या नहीं। थोड़ा अंदर चल के आपको एक मस्त सी चीज़ दिखाते हैं, जो कि इस जगह की सबसे खास चीज़ है। यहाँ पे पेड़ के ऊपर ना रहने के लिए एक छोटा सा घर सा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है वो, तो वहाँ चल के वो चीज़ आपको मैं दिखा दूंगा। वैसे बर्फ़ तो हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन एक अलग सी चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी, और इस वीडियो का एक मकसद पूरा हो जाएगा हमारा, जो हमेशा ही रहता है आपको कुछ ना कुछ नया दिखाने का। तो चलो चलते हैं आगे, अंदर चल के देख
हाइट 5'10" है मेरी, तो 5'10" है तो यहाँ पे आराम से मैं खड़े हो सकता हूँ, लेकिन अगर इस तरफ जाए तो ऊपर आपकी टक्कर लग सकती है इसके साथ। तो ये देख सकते हो, ये देखो भाई ने ऊपर आराम से लगेगी। तो इसका दरवाजा भी देखो यार, बड़ा मस्त बनाया हुआ है, और इसका नीचे लॉक लगाने के लिए भी बना हुआ है इसका। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, यही चीज थी यहाँ की बहुत ही मस्त देखने के लिए। तो आओ बाहर आके देखते हैं। तो यहाँ पे फोटो वगैरह बहुत मस्त आ सकती है अगर आपने फोटो वगैरह खींचनी हो, और ऊपर से टीन वगैरह भी ओके है इसका। और इस पेड़ में देखो, इस पेड़ को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, इस पेड़ को, इस पेड़ की सपोर्ट से इस घर को बनाया हुआ है। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे वुडन हाउस जो पेड़ के ऊपर है, तो अभी हम खलेनी टॉप से जा रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ पे बर्फ वगैरह देखने को तो हमें नहीं मिली। तो अभी चलते हैं यहाँ से और किसी और जगह को देखते हैं यार, जहाँ पे ना हमें बर्फ वगैरह देखने को मिल जाए। यहाँ पे तो बस यही वाली बर्फ है जो आप पीछे देख सकते हो, वो देखो थोड़ी थोड़ी सी बर्फ। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो।